गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सभी का स्वागत करती हूँ दिल से इस न्यू रीडिंग में। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा वेलकम, सभी को मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन। आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी जिसमें डिटेल में देखेंगे इस समय आपके पर्सन के इमोशंस क्या है, हिडन इमोशंस जो आपको वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे ज़रूर। तो अगर आप रीडिंग में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ऑल दबा देना, और अगर आप हमेशा से इस सोल फैमिली का पार्ट रहे हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दो। कैसी एनर्जी है आपके पर्सन की? कैसी एनर्जी है आपके पर्सन की? सबसे पहले आज आपके पर्सन का आंसर बताना चाहूंगी। इनका आंसर है नो। मना करते हुए नजर आ रहे हैं। आंसर है नेगेटिव, नो। किस चीज़ के लिए है, कैसे है, क्यों है, आगे रीडिंग करूँगी तो तभी बता पाऊँगी। आपके पर्सन का आंसर है नो। काफ़ी टाइम तक ये इंसान टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जैसे जगलिंग कर रहा हो, क्या फैसला लें? दोनों ही फैसले इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन रहे हैं, लेकिन इस इंसान का आंसर है नो। किस चीज़ के लिए नो कह रहे हैं ये? फॉर अ न्यू पर्सन इनका आंसर है नो। आपके पर्सन रिलेशनशिप में जंप नहीं करना चाहते बार बार। आपके पर्सन रिलेशनशिप में बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट स्टेबिलिटी इस रिश्ते में, आपके और उनके रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इस पुराने रिश्ते में ही स्टेबिलिटी चाहते हैं। नो की एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि ये जो इस पर्सन की एनर्जी है वो स्टक है पास्ट में, इसीलिए हर नई अपॉर्चुनिटी को, हर नए रिश्ते को ये पर्सन अपनी लाइफ में नो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये किसी भी नई एनर्जी में जाने के लिए रेडी नहीं है, किसी भी नई एनर्जी में जाने के लिए ये इंसान राजी नहीं है। वो अपने पुराने प्यार में वो आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वेरी मच कंफर्टेबल इन ओल्ड एनर्जी, कि आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं जाना चाह रहे हैं। They want to continue this energy. ठीक है, they want to continue this energy. ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है इनके दिमाग में जो ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ है ऐसे इनके दिमाग में जो इनके मन में चल रहा है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, वो आपको बता नहीं रहे हैं, वो आपको इससे दूर रखना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कोई ऐसा राज है, ये इंसान जो है अपने स्ट्रगल्स के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी, लेकिन इनको ये ज़रूर लगता है कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ द गॉड, क्योंकि कितना भी बुरा हो जाए, कितनी भी चीज़ ख़राब हो जाए, यू आर स्टिल गोइंग टू शाइन। इस चीज़ को पता कर चुके हैं आप
आपके पर्सन, यू आर स्टिल गोइंग टू शाइन. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज बिकॉज ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन मिली है यूनिवर्स से, आपको प्रोटेक्शन मिली है गॉड से. आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर हटना नहीं चाह रहे, लेकिन वो ऐसे दिन नहीं देखना चाहते जहां आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हो. वो ऐसे दिन नहीं देखना चाहते जहां आप उनसे दूर दूर जा रहे हो, ठीक है. वो ऐसा दिन नहीं देखना चाहते जहां आप उनसे अलग जा रहे हो, दूर जा रहे हो. वो चीज़ उनको मंजूर नहीं है, ठीक है. आपके पर्सन को वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, आपके पर्सन को वो चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. ऐसा लग रहा है कि ये उस फीलिंग को फील नहीं करना चाहते, वो आपके मुंह से ना नहीं सुनना चाहते. आप उनको खुद से, अपनी लाइफ से दूर कर दो, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है. वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा सता रही है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. ओह माय गुडनेस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर एक लकी वाली फीलिंग भी आ रही है कि दे फील लकी कि आपने उनसे बात की. दे फील लकी कि जहां आप दूसरे को बिल्कुल भी मौका नहीं देते, लेकिन उनके पास फिर भी चांस है आपके साथ. दे फील लकी. और ये जो लक है वो खोना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है. वो जो लक है वो खोना नहीं चाह रहे हैं. आपके पर्सन को लगता है कि आपके लिए अगर ये होल्ड ऑन करके रहेंगे, आपके लिए अगर ये झुकते भी हैं और आपके लिए अगर ये सैक्रिफाइसेस करते भी हैं, तो वो वर्थ इट होने वाला है, ठीक है. आपके लिए अगर वो सैक्रिफाइसेस करते भी हैं तो वो वर्थ इट होगा, और वो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा. आपके साथ रहना, आप जिस इंसान के साथ रहना और एज अ पार्टनर इनको मिलना, वो वर्थ इट होगा बहुत ज़्यादा. तो आपके लिए जितने भी बैटल्स है या सैक्रिफाइसेस है, उसको करते हुए पर्सन परेशान नहीं है, ठीक है. बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जबकि इनको लगता है कि दिस इज़ गुड, ठीक है. इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ फाइन, दिस इज़ गुड. और कहीं ना कहीं दे आर प्राउड. जितने भी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं वो हक से कर रहे हैं. जितने भी पेन से ये गुजर रहे हैं ना, और वो पेन आपके लिए सह रहे हैं, तो इस इंसान को लगता है कि जब भी आप दोनों मिलोगे, जब भी दोनों की बातचीत होगी, तो वो आपको बता देंगे अपनी बात. लेकिन एक चीज़ से यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे सवाल बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है. और दूसरी चीज़, यू आर अ प्योर सोल, सो यू आर वेरी सेंसिटिव. यू आर अ प्योर सोल और यू आर वेरी सेंसिटिव, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही उनको लेकर पोजेसिव हो, ठीक है. उनको लेकर पोजेसिव हो, तो इस वजह से छोटी सी छोटी चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, छोटी सी छोटी चीज़ आपको हर्ट कर देती है. अब ये पर्सन आपकी बात को समझ जा रहे हैं, क्यों आप छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाते हो, ठीक है. जहाँ तक इनकी ऑब्जर्वेशन है, दे नोटिस यू अ लॉट. और अभी भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके प्रोफाइल पे जाके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन भी नहीं हो, वहाँ पे ही आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी आप लॉग इन करोगे, इनकी तरफ से आपको मैसेज ज़रूर दिखेगा. ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं, उन्होंने सोच लिया है, ठीक है, कि वो आपके लिए ही एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके लिए ही ये पर्सन तड़पना चाहते हैं, आपके सेपरेशन में ही ये पर्सन खुश है. जितना ज़्यादा मैं उस कैंडल को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ज़्यादा होप टूट रही है. ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है.
they want to इससे एक चीज़ इनको समझ आ रही है बार बार आपके लिए एफर्ट्स करके कि आपको भी अपना टाइम चाहिए. यू ऑल्सो वॉन्ट टाइम एंड स्पेस, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इतनी सेंसिटिव है. इट मीन्स आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से कि देखो पर्सन और पार्टनर एक साथ बोलने की कोशिश करो तो फिर वो आता है पार्सन, है ना. तो अपने पार्सन से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको एक्स्ट्रा केयर दे, आपकी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग दे, आपको एक्स्ट्रा समझे, आपको स्पेशल फील कराएं. बिकॉज यहाँ पे देख रही हूँ सच में यू आर अ प्योर सोल, लेकिन आपके साथ रहना इज़ नॉट वेरी इजी. ठीक है, लिविंग विद यू इज़ नॉट वेरी इजी, दिस इज़ द फैक्ट. आपके साथ रहना इज़ नॉट वेरी इजी. तो इस वजह से पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो इंसान हैं इनको समझ आ गया है कि आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए. बिकॉज आपने अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में ऐसी बैटल्स देखी है जिसकी वजह से आप ऐसा हो गए हो, जिसकी वजह से आप ऐसा हो गए हो. और कहीं ना कहीं ये चीज़ आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन आप अपने लवर को चाहते हो कि वो आपके अंदर ये चीज़ नोटिस करें. आप जैसे ही थोड़ा अटैच होने लगते हो इस पर्सन को खुद से दूर कर देते हो, क्योंकि यू ऑल्सो हैव फियर. आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डर है, फियर ऑफ अटैचमेंट. आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डर है, फियर ऑफ गेटिंग क्लोज, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट. तो आपको तो और ज़्यादा प्यार की और अटेंशन की ज़रूरत है. ये आज के दिन इस पर्सन को समझ आ गया. एनीवेज दे वांट टू गिव यू समथिंग रिलेटेड टू हो सकता है कोई बर्थडे ड्रेस हो, या कुछ ऐसी हो, कोई पर्स हो, कोई मनी से रिलेटेड चीज़ हो सकता है कि अपनी पहली कमाई, फर्स्ट अर्निंग ये आपको देना चाहते हैं. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन ऑल्सो सरप्राइज कर देंगे आपको कि थर्ड पार्टी को निकाल के ना आपको ये चौंका देना चाहते हैं. थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल के ये आपको अपनी लाइफ में मेन पर्सन, जो इम्पोर्टेंट एक होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट इंसान है मेरी लाइफ का, वो ये बनाना चाहते हैं. ठीक है, मेन पर्सन, इम्पॉर्टेंट पर्सन ये आपको बनाना चाहते हैं. वो आपसे चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी खुलो, और ये चाहते हैं कि ये भी अपनी फीलिंग्स को एज इट इज़ एक्सप्रेस करे विदाउट एनी फिल्टर्स, जो ये फील कर रहे हैं. ठीक है, विदाउट एनी फिल्टर्स जो ये इनके मन में आ रहा है वो ये आपको ज़रूर बताएं. तो ये रहेगी उनकी एनर्जी, जो ये आपसे और ज़्यादा ओपन अप होने आप चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है. और दे वॉन्ट टू टेल यू दैट आप जब उनसे गुस्सा होके, जब सेपरेट होके चले जाते हो, तो वो फीलिंग इनको अच्छी नहीं लगती है. वो फीलिंग उनको ऐसा फील कराती है कि दैट दे आर पावरलेस. जो भी कुछ कर रहे हैं आप उससे कन्विंस नहीं हो रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हैं उनमें ही कोई ऐसी कमी है जिससे वो आपको खुश नहीं कर पा रहे, उनमें ही ऐसी कमी है जिससे वो आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं. तो चलिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.